हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं, हिंदी में स्वर माला किसे कहते हैं और इनकी मात्राएं कैसी होती हैं और इनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है वर्ड्स के लिए, यानी कि जब हम वर्ड्स बनाते हैं तब स्वर का क्या रोल होता है, हम कितना इस्तेमाल करते हैं स्वर को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर कितने होते हैं, टोटली आपको 13 मिलेंगे। सबसे पहला स्वर है फ्रेंड्स छोटा आ, इसको पढ़ा जाता है छोटा आ। इसकी मात्रा कुछ नहीं होती है फ्रेंड्स, लेकिन जब हम कोई वर्ड बनाते हैं जैसे कि कल, तो फ्रेंड्स इसका यूज़ होता है। यहाँ का ये अकेला नहीं है, इसका के साथ ये छोटा आ जुड़ा हुआ है, और ये ला अलग नहीं है, इसके साथ भी छोटा आ जुड़ा हुआ है। छोटे आ से अनार भी होता है, तो इसकी आवाज़ अ होती है। ये होता है बड़ा आ, इसकी पहचान होती है यानी कि इसकी मात्रा होती है फ्रेंड्स, आगे एक डंडा लगा हुआ होता है और ऊपर इसकी छत होती है, जैसे कि आम। जब हम आम लिखेंगे तो आ लगाएंगे, उसके साथ डंडा लगाएंगे और माँ, तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका यूज़ होता है यहाँ पे, और इसकी आवाज़ होती है आ। जैसे कि हम लिखेंगे आम, आराम, काम, नाम, तो उन सब में, उन सब के आगे लगेगा ये आगे आ का डंडा। ये होती है छोटी ई, यानी कि जैसे इमली। इसकी फ्रेंड्स आवाज़ होती है छोटी, जैसे कि छोटे आ की कम आवाज़ होती है, ऐसे छोटी ई की आवाज़ कम होती है और बड़ी ई से काफ़ी कम होती है, जैसे कि इमली। और फ्रेंड्स जब हम और वर्ड्स में लगाते हैं तो ये इधर की तरफ लगता है, यानी कि लेफ्ट तरफ लगता है, जैसे कि मैंने अगर लिखा मिल, तो फ्रेंड्स मैं मील नहीं बोल रही हूँ, मैं मिल बोल रही हूँ, तो इसकी आवाज़ कम निकलेगी, तो कम लगेगी, तो यानी कि लेफ्ट तरफ इसकी मात्रा ऐसे लगेगी। अब आती है फ्रेंड्स बड़ी ई, बड़ी की ई की आवाज़ ज़्यादा होती है और इसकी मात्रा लगती है कुछ इधर, यानी कि राइट हैंड साइड पे, जैसे कि नदी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने द के ऊपर इस तरीके से लगाई है मात्रा, ऐसे ही छोटा हुआ है तो इसकी आवाज़ भी कम ही निकलेगी और ये लगता है जो भी आपका लेटर है यानी अक्षर है उसके ऐसे, जैसे कि पुल, तो फ्रेंड्स ऐसे लगेगी इसकी मात्रा। अब इसी को आवाज़ अगर मुझे ज़्यादा खींचनी है और मुझे ज़्यादा आवाज़ चाहिए, अगर मैं पुल की जगह पुल बोलूँगी तो फ्रेंड्स ये उधर घूम जाएगा और ये मात्रा ऐसे लगेगी और ये बन जाएगा मेरा वर्ड ऐसे। फ्रेंड्स अगर आप छोटी क्लास में, तो आपने ये पढ़ा होगा छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, तो जैसे ऊन भी अगर हमें लिखना है तो सीधा हम ऐसे लिखेंगे और इसके साथ ना लगा देंगे। अब होता है ये छोटा ए और बड़ा ए। छोटे ए की मात्रा फ्रेंड्स एक ही होती है और बड़े ए की मात्रा होती है दो, ये भी ऊपर ऐसे लगती है और इसकी मात्रा दो होती है ऐसे। छोटे से जैसे हमें एड़ी लिखना है तो ये ऐसे आ जाएगा, अगर हमें केला लिखना है तो एक का के ऊपर ये मात्रा ऐसे लग जाएगी और ये बन जाएगा केला। फ्रेंड्स ऐसे ही बड़ा ए है, इसकी क्या आवाज़ होती है ए, जैसे कि ऐनक। ऐसे ही अगर मुझे लिखना है मैना, तो मैं माँ के ऊपर ये दो मात्राएं लगा दूंगी, ये हट जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसकी आवाज़ कुछ इस तरीके से होगी। अब ये है छोटा ओ, छोटे ओ की भी फ्रेंड्स मात्रा, जैसे ये डंडा होगा और ये होगा, जैसे कि ओखली, तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। अगर मुझे लिखना है कोयल तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, देखिए ओ ऐसी आवाज़ निकलती है। इसी को मैं और ब्रॉड कर दूंगी, आवाज़ ओ हो जाएगा तो ऐसे लग जाएगी दो मात्रा, जैसे कि कौवा, तो ये ऐसे। ये होता है फ्रेंड्स री, इसको जैसे ऋषि लिखते हैं तो तब यूज होता है ऐसे, और ये है अन और ये आ। अन को फ्रेंड्स आपको पता ही है अंगूर की तरह, और जैसे अगर मुझे और कोई वर्ड लिखना है जिसके बीच में न की आवाज़ आती है, जैसे कि मंदिर, तो ये मैं ऊपर सिर्फ इसकी ये चंद्र बिंदु ऐसे बिंदु लगा दूंगी, और ये विसर्ग होता है फ्रेंड्स, जैसे कि
मैंने लिखा प्रातः काल, तो मैं प्रातः लिखूंगी और उसके आगे ये विसर्ग लगा दूंगी, तो इसकी आवाज होती है प्रातः काल, यानी कि सुबह का टाइम। तो ये इस तरीके से यूज होता है फ्रेंड्स। तो आपने फ्रेंड्स देखा स्वर की सारी शक्लें कैसी हैं और इनकी मात्राएं कितनी अलग होती हैं, यानी कि जैसे कि विसर्ग है तो विसर्ग का सिर्फ हम ये दो डॉट लेते हैं, हम ये पूरा अ साथ में हर जगह नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे स्वर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं व्यंजन के बारे में बताऊंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।